वेलकम दोस्तों, ऑल माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर्स, ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इंजीनियर एस के समेले योग गुरु हिप्नोटिस्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। कई बार ऐसा होता है और विशेष करके एवर 40 जो 40 साल के ऊपर की एज में बहुत से लोग जो है अपने द्वारा रखी वस्तु को ही भूल जाते हैं और टाइम पर वो मेमोरी रिकॉल नहीं हो पाती है। जैसे हमने कहीं पर चश्मा रख दिया, हमने कहीं पर अपनी डायरी रख दी, या हमने अपनी कोई पेन रख दिया, या गाड़ी की चाबी रख दी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डेली यूज में आती है हमारे, वो तुरंत उनकी आवश्यकता होती है। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रखने के बाद फिर वो भूल जाते हैं कि कहाँ रख दी है, फिर सारे लोग ढूंढते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आखिरकार? इसमें जब हमारी एज बढ़ती है धीरे धीरे, तो हमारी जो माइंड की जो सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी पड़ी रहती है, उसको रिकॉल करने की क्षमता है वो हमारी कम हो जाती है। तो और इसके अलावा जब बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, हम बहुत प्रकार के काम हमारे दिमाग में रहते हैं, तो एक साथ बहुत सारे मैसेज हमारे माइंड में आते हैं, और एक साथ जब बहुत सारे मैसेज आते हैं, एक्सेसिव मैसेज जब होने लगते हैं, तो उसके कारण हमारे जो माइंड की मेमोरी है वो भी प्रभावित होती है, और विशेष करके जो हमारी मेमोरी को रिकॉल करने की क्षमता है वो हमारी कम हो जाती है। तो ये सज्जन हमारे पास आए कि हम अपने द्वारा रखी हुई वस्तुएं और समय पर हमको याद नहीं आती है, बाद में बहुत देर बाद आती है, जब उसकी जरूरत होती है उस समय हम भूल जाते हैं। तो ये कहलाती है, कहना चाहिए लेक ऑफ रिकॉलिंग ऑफ द मेमोरी। तो सबकॉन्शियस माइंड से मेमोरी को रिकॉल करने की जो क्षमता है, इसको बढ़ाने के लिए हमने इनको हिप्नोटाइज किया है, और हिप्नोटाइज डीप ट्रांस में ले गए, और वहां पर जाके हमने इनको एफर्मेशंस और सजेशंस दिए, बहुत ही फर्म सजेशंस दिए हैं। और निश्चित रूप से इसके अलावा इनकी इच्छा पास्ट लाइफ में जाने की भी थी, तो इनको साथ में पास्ट लाइफ में भी लेके गए हम, और बहुत सारा इन्होंने पास्ट लाइफ के बारे में भी बताया है। तो माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हिप्नोसिस के जरिए हम सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करके, और वहां पर बहुत सारी प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड है, वो सब हम कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हम 4-5-6 सेशन अगर अच्छे से कर दें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आता है। तो आप देखिए इस वीडियो में इनका पास्ट लाइफ का रिग्रेशन भी है, और साथ में इनका रिकॉल ऑफ द मेमोरी विशेष रूप से ये इसमें किया गया है। तो देखिए इस वीडियो की है, वो जरा पास में जाओ, खुशबू है उन पत्तियों में कि नहीं है? नहीं। अच्छा, पत्तियों में खुशबू नहीं है। कितने गमले हैं, गिन के बताओ। यस, 1, 2 एंड 3, कितने गमले हैं वहां पर, गिन के बता दो। बहुत सारे हैं। बहुत सारे गमले हैं, उनमें कोई पानी डालता कि नहीं? जरा गौर से देखो, सूखे तो नहीं पड़े हैं? अच्छा, मिट्टी गीली है गमलों में। बहुत नाइस, फर्स्ट क्लास। वो किस चीज पर रखे हैं वो गमले? अच्छा, फर्श में रखे हैं वहां पर, बाहर निकल के हॉल के, हॉल के बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या क्या है वहां पर, देख के बताओ, गमलों के अलावा क्या क्या है? गमलों के अलावा बाल्टी पड़ी। अच्छा, बाल्टी पड़ी है। अच्छा, वहां पास में जाके देख के बताओ, पानी कहां से आता है? वो जो गमलों में पानी डाला जाता है वो कहां से आता है? पानी कहां से आता है? नल लगा हुआ। अच्छा, एक वहां पे नल लगा हुआ है, लाल टोटी लगी है, उस नल से पानी कौन डालता है, देख के बताओ जरा। यस, 1, 2 एंड 3, कौन डालता है वहां पर पानी? अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है? पूरे थोड़े एरिया में घूमो जरा, कोई दिख जाए वहां पर, कोई आदमी है, कोई जानवर, कुछ भी। यस, 1, 2, 3, पूरे एरिया में बताओ घूम के वहां पर। यस, कौन है वहां पर? अच्छा, बूढ़ा आदमी है। यस, उसके पास जाओ, वेरी नाइस, उससे बात करो थोड़ा, उसका नाम पूछो, कौन है वो बूढ़ा आदमी? गुड, वेरी गुड। वो कौन है उस बूढ़ा आदमी, वो घर का मालिक है कि कोई और है? अनजान व्यक्ति है। क्यों आया है वहां पर वो आदमी, क्यों आया है अनजान व्यक्ति? आपने, आप पास में चले जाओ, उसे बूढ़े आदमी के पास जाओ। यस, 1, 2 एंड
3 आप बूढ़े आदमी के पास पहुंच चुके हैं। उस बूढ़े आदमी के पास में आप पहुंच गए, बहुत सुंदर। आप बात भी कर सकते हैं उनसे, आप पूछिए उनका नाम, पूछिए बूढ़े आदमी का क्या नाम है। यस, नाम पूछ लो, वेरी गुड। बूढ़े आदमी से अच्छे आदर से पूछना, यस 1, 2 एंड 3 आपने उनका नाम पूछ लिया है। क्या नाम है उसका, बूढ़े आदमी का? बोल नहीं रहा। आपने बात करने की कोशिश की है? नहीं। बात करो उनसे, पूछ लो दादाजी आपका क्या नाम है, वो बढ़िया से अभी आपको नाम बता देंगे। यस 1, 2 और 3 डीप स्लीप। हाँ, उनका नाम पूछ के बताओ, क्या नाम है उनका जो वहां बैठे हैं? नहीं पूछ पा रहे। पूछ नहीं पा रहे हो, वो बोलने की स्थिति में है कि नहीं? बूढ़े देख रहा है। अच्छा, वो क्या कपड़ा पहना है उनने, बूढ़े आदमी ने? सफेद में क्या है? सफेद चादर उड़े हैं। और वहां पे तुम कौन सी ड्रेस पहने हो, वहां पर जो बब्बा बूढ़े बब्बा के पास में हो, दादाजी के पास, तुम वहां पर क्या पहने हो? अच्छा, पैंट शर्ट पहन रखा आपने वहां पर। और वो बूढ़े दादाजी जो है वहां पर, वो जो है आपका, वहां क्या करते हैं उनसे पूछ लो जरा, काम पता तो कर लो। बूढ़े बब्बा क्या करते हैं वहां पर, क्यों बैठे हैं वहां पर, करते क्या है वो, क्या करते हैं वो? निकल रहे वहां से। कौन? निकलने दो उनको, किधर जा रहे हैं वो? बाहर। तो बाहर जाने दो, आप भी देखो पीछे से जाके बाहर, वहां गेट बड़ा लगा, गेट छोटा कैसा है, गेट देख के बताओ। छोटा गेट है। छोटा गेट है। जो गेट किस चीज का है जरा बता, लोहे का लकड़ी का? लकड़ी का दरवाजा है। अच्छा, तो वो लकड़ी के दरवाजे को खोल के बाहर निकल आए हैं। वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। और तुम भी पीछे आ जाओ, उसमें बाहर निकल के क्या है, फिर गेट के बाहर निकल के बताओ वहां पर क्या है, घर मकान रोड सड़क मैदान क्या है वहां पर? बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। किस चीज के पेड़ है? अच्छा, कितने साल पुराने पेड़ हैं वो, देखो जरा गौर से देख के बताओ, कितने साल पुराने पेड़ हैं? काफी मोटे पेड़ हैं। कितने साल, लगभग कितने साल पुराने पेड़ हैं? अच्छा, पेड़ लगे हैं। और वहां पर और मैदान सड़क कैसी है वहां की? मैदान है। कैसा है, ड्राई है मैदान, बालू पत्थर या ग्रीन, कैसा है वहां का मैदान? थोड़ा रेत भी है। अच्छा, थोड़ी बहुत रेत भी है और थोड़ी बहुत। अच्छा, आसपास और घर बने हैं क्या वहां पर? यस 1, 2, 3 आसपास के घर बताओ। नहीं, और मकान नहीं है, एक भी नहीं, पूरा मैदान और वो सब। कोई और आदमी उस बूढ़े बब्बा के अलावा, बाबा के अलावा कोई दूसरा और आदमी है क्या? कोई नहीं। नो, कोई नहीं वहां पर। कोई जानवर देखो गौर से, 1, 2, 3 हाँ देख के वहां पूर्व, और क्या दिख रहा है? नहीं। और ये जो मकान था जहाँ थे अभी, वो मकान किसका है? वो अकेला मकान है, एक सिंगल? ना, सिंगल मकान। ओनली वन। छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। और तो उसमें रहने वाले लोग कहाँ चले गए अभी? कोई नहीं है उस घर में। और आसपास गांव मकान? कुछ नहीं। थोड़ी दूर यात्रा करो, मैं 5 तक गिनती बोलता हूँ, आसपास दूर तक देख के देखो वो एरिया कौन सा है। 1 उस एरिया को तलाश रहे हो, 2 पूरे एरिया को समझ के बताओ कि ये कौन सा एरिया है, कौन सा प्रदेश है, कौन सा स्थान है, वहां कहीं लिखा हो कुछ भी आप देख सके। 3, 4 एंड 5 डीप स्लीप। हाँ, एरिया पहचान सकते हो वहां का? सफेद पुते हुए क्या है? सफेद पुते हुए क्या है? अच्छा, ईसा मसीह वाले हैं वो, चर्च? हाँ, चर्च टाइप के हैं। अच्छा, शमशान टाइप के गड़े जहाँ उनके ईसा मसीह वाले मुर्दे गड़ते हैं, वो स्थान है। तो वहाँ कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं ज्यादातर, जरा देखो गौर से। कोई दिख रहा, वही दिख रहे हैं वो वहाँ गड़े जहाँ वो है, वहाँ कोई निशान बने उनके? हाँ, एक लकड़ी गड़ी है। क्या है उस लकड़ी, क्यों गड़ी, कैसी है? उधर पास में देखो, काय के लिए गड़ी है वो लकड़ी? बस गड़ी है बस।
अच्छा लकड़ी गरीब दिख रही है, थोड़ा और दूर तक नजर मारो जरा, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, 1, 2 एंड 3 खूब दूर तक, क्या दिख रहा है सबसे दूर? क्या दिख रहा है? बस पेड़ है, पेड़ गड़े हुए बना। अच्छा वो कब्रिस्तान ही बच्चों बोलते शमशान, पूरा शमशान है उधर। वेरी नाइस। शमशान में वहां जो लोग नीचे हैं उनसे बात कर सकते हो क्या? नहीं, उनसे जो नीचे जो मरने के बाद जो गाड़ दिए या उनको दफना दिया है उनसे बात हो सकती है क्या? कोशिश करो, बात हो सकती, उनसे बात कर सकते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं बात कर सकते उनसे? उनको देख सकते हो? नहीं सर, ऊपर ऊपर का दिखता बस। अच्छा उसके अंडरग्राउंड में कौन है उसका, उसका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। ये सब सीन है जो, ये कब का है, कितने साल पुराना है जहां आप हो? कितने साल पुराना है? 300 साल पुराना। उस जन्म में वो आप क्या थे वहां पर? आप क्या थे वहां पर? हम वहां है बस, ये पता नहीं क्या है। अच्छा आप वहां पर हो 300 साल पहले, और आप उस समय काम क्या करते थे? ये तो पता होगा आपको, 300 साल पहले आप क्या काम करते थे? अभी हम वहां है बस। अच्छा अभी आप वहां पर हो ये मालूम है, 300 साल पुरानी बात है। वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। नाउ मैं अभी आपको 5 तक गिनती गिनूंगा और आपके सिर के ऊपर हाथ में टच करता हूं एक डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में, और आपके अंदर जो मेमोरी है, याददाश्त है, जब आप याद रिकॉल करोगे उसको, सबकॉन्शियस को, वो तुरंत आपको बताने वाला है कि जब भी आप याद करेंगे अपनी भूली हुई चीज, जो बात आप भूल जाते हैं वो आपकी मेमोरी से निकलती है, देर लगती है, वो जल्दी निकलेगी। वन वो चीज आपके अंदर मैं स्थापित कर रहा हूं पूरी तरह से। आप जब भी कोई भी चीज याद करना चाहें आप तुरंत याद आ जाएगी आपको। टू, पूरी आपकी मेमोरी रिकॉलिंग है जो सबकॉन्शियस माइंड से, वो आपके पास वापस जब आप चाहें तब आ सकती है। थ्री, आपकी मेमोरी रिकॉलिंग बहुत तेज बढ़ा दी है। 4 और ये 5, आपकी मेमोरी रिकॉल सबकॉन्शियस माइंड में जो ये मेमोरी पड़ी रहती किसी चीज की याददाश्त, वो आप जब चाहें तब आप रिकॉल कर सकते हैं। ये आपके अंदर मेमोरी रिकॉल के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमने कर दिया है पूरी तरह से। अब आप जब भी चाहेंगे कोई भी याददाश्त के लिए, कोई भी आपकी मेमोरी में पड़ी चीज को आप वापस बुला सकते हैं, क्योंकि मेमोरी और उसको वापस बुलाना ये हमारा नेचुरल गुण है।